अभी हम चिड़ियाटार के उस ब्रिज पे हैं जो पटना जंक्शन होते हुए आर ब्लॉक के तरफ जाएगा। इस पुल का उद्घाटन दिसंबर में इसी महीने में होना संभावित है। हालांकि इसका उद्घाटन तो दिसंबर 2015 में ही होना था, लेकिन ट्रैफिक समस्या और कई समस्याओं की वजह से ये पुल कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन अब जिस हिसाब से पुल की स्थिति देखी जा रही है, उस हिसाब से लगता है कि पुल जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब इस महीने में शुरू होगा कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जल्द शुरू होगा ये कन्फर्म है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये रैंप गिर, यहाँ से रैंप जो गिरता हुआ दिख रहा है, बेसिकली ये रैंप जो है ये उठेगा। मतलब कि जो लोग कंकड़बाग से आएंगे, वो इस रैंप के माध्यम से इधर होते हुए आर ब्लॉक जाएंगे। जिनको आर ब्लॉक जाना होगा वो इधर से ही जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रैफिक का समस्या पटना जंक्शन स्टेशन क्रॉस करने वक्त बना रहता है, जो 15 मिनट से लेकर के इसकी सीमा नहीं है कि समय कितना लग जाएगा आर ब्लॉक तक पहुंचने में, कम से कम 15 मिनट तो लगता ही है, वो दूरी 2 से 5 मिनट के बीच ठहर जाएगा। 5 मिनट में लोग आर ब्लॉक से इस यहाँ चिड़ियाटार पुल तक पहुंच पाएंगे। अगर गांधी मैदान जाना हो तो सीधा गांधी मैदान जा पाएंगे, क्योंकि वो जो एग्जीबिशन रोड में जो रैंप गिरा है, जो वन वे है, अभी फ़िलहाल वन वे है, लेकिन वो टू वे हो जाएगा। और आने जाने वाले लोग जो भी गांधी मैदान से आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, उनके लिए वो रास्ता खुल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि पेंटिंग का काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, और पुल अभी जो स्थिति है, रोड बनकर तैयार है, सड़क बनकर तैयार है। जो समस्या है वो बीच में पटना जंक्शन के पास जो केवल स्ट्रेट जो है, जो केवल स्ट्रेट पुल है, ये तो केवल स्ट्रेट जो बन रहा है वही समस्या है। और वो बनते ही पुल चालू हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा पुल का। इधर आप देख रहे हैं कि पुल कंप्लीट हो चुका है, और उधर भी पुल कंप्लीट हो चुका है, पेंटिंग का काम चल रहा है। और ये जो रास्ता है, अभी फ़िलहाल कंकड़बाग जाने के लिए ये रास्ता जो आप देख रहे हैं नीचे, ये रास्ता है। पटना जंक्शन से लोग आते हैं, पटना जंक्शन या फिर जमाल रोड से होते हुए आते हैं, वो इस रास्ते से कंकड़बाग की तरफ जाते हैं। लेकिन इस पुल के बन जाने से उधर से भी लोग कंकड़बाग जा सकेंगे, और कंकड़बाग जो लोग कंकड़बाग से आते हैं वो फिलहाल इस रास्ते से पटना जंक्शन होते हुए आर ब्लॉक की तरफ, डीपीओ गोलंबर की तरफ जाते हैं, वो अब इधर से जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुल लगभग कंप्लीट है। इधर का जो रैंप है वो लगभग कंप्लीट है। जो मामला बचा हुआ है वो आगे ही बचा हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे होटल उपवन है, और पोल जो लाइन, जो लाइट के लिए जो पोल लगाया गया है वो भी लगभग बस बल्ब लगाना बाकी है, कनेक्शन करना बाकी है, पोल खड़ा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा चला जाएगा गांधी मैदान के तरफ या कंकड़बाग के तरफ, ये सीधा चला जाएगा। ये भी कंप्लीट ही है। क्या लगता है, दिसंबर में हो जाएगा चालू? पूरा उम्मीद लग तो रहा है कि हो जाएगा चालू। केवल स्टेट वाला कितना काम बचा हुआ है? स्टेट वाला कर रहा है, कंटिन्यूस रहा तो 10 दिन 12 दिन। 10 दिन 12 दिन, मतलब लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा? मिड दिसंबर तक ही हो जाएगा। जा सकते हैं ना उधर? तो आप देख रहे हैं कि काम बहुत तेजी चल रहा है, और
दिसंबर तक, मतलब दिसंबर लास्ट तक ये पुल चालू होने की संभावना काफ़ी हद तक बन रही है। ये देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक की पोलें हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल खड़ा होना है वो सब खड़ा हो चुका है, बस कनेक्शन करना बाकी है। और ये जो पुल है बहुत जल्द चालू हो जाएगा। एसपी सिंगला बना रही है ना इसको? हाँ, एसपी सिंगला बना रही है, गुजरात की है ना? हरियाणा की कंपनी है एसपी सिंगला। कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एसपी सिंगला के, और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे इस पुल को देखने के लिए कि कितना काम बाकी है और कितना काम हो चुका है। देख रहे हैं जो भी स्टाफ है वो काम तेजी से कर रहे हैं, और जल्द ही पुल ये इधर पटना जंक्शन है, और ये आपका केवल स्ट्रेट है जो कंक्रीट हो चुका है, और ये आपका पटना जंक्शन आप देख रहे हैं। नीचे बोर्ड भी है, ये पटना जंक्शन, आकाशवाणी, ये सब है। तो ये एक नया मार्ग का, इस पुल के बन जाने से ट्रैफिक की समस्या से काफ़ी हद तक के निजात मिलेगी। हालांकि ट्रैफिक की समस्या एक ऐसी समस्या है जो दो मिनट के चक्कर में होता है और लोग समझ नहीं पाते। ये केबल है, इसी केबल पे सारा लोड रहेगा इस पुल का। इसके नीचे जो है बेस नहीं है, क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट भी संभावित है यहाँ पे, और मेट्रो भी इसके यहाँ पे नीचे जाना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई पिलर नहीं दिया गया है, केवल स्ट्रेट है, केवल के माध्यम से ये सारा लोड रहेगा पुल का। और आप देख सकते हैं कि काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है, ट्रैफिक की समस्या की वजह से काम बहुत डिले हो गया, बीच में फेस्टिवल भी था उसकी वजह से भी काफ़ी डिले हो गया। ये देख सकते हैं, ये इसी पिलर पे सारा लोड रहेगा, यही केवल स्ट्रेट ब्रिज है, देख सकते हैं इस केवल पे सारा लोड रहेगा। और इधर देख रहे हैं, इधर डाकवंगला चौराहा है, तो काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है, आप देख सकते हैं। दिन रात काम चल रहा है इस ब्रिज पे। अभी हाल ही में मैंने पहले ही बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे इस पुल पे देखने के लिए कितना काम बचा है, कितना काम चल रहा है, और संभावना है कि दिसंबर महीने में इस पुल को चालू कर दिया जाएगा। अब चालू हो पाता है कि नहीं ये तो चालू होने के बाद ही पता चलेगा। ये हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं, और ये पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन आपका स्वागत करता है का बोर्ड लगा हुआ है, ये पटना जंक्शन है, देख रहे हैं, ये हनुमान मंदिर है। ये 4 लेन ब्रिज होगा, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी इस ब्रिज की, 2015 में चालू होना था लेकिन नहीं चालू हो पाया, कई कारण है उसके पीछे। और अभी 2017 है, दिसंबर का महीना है, अब इस महीने में इसे चालू होना है,
अभी चालू हो पाता है कि नहीं, लेकिन काम देखकर यही लग रहा है, काम की गति को देखकर यही लग रहा है कि ये पुल बहुत जल्द इसी महीने में चालू हो जाएगा। एसपी सिंगला इसका निर्माण कर रही है, बीआरपीएनएन इसका का प्रोजेक्ट है, ये एसपी सिंगला इसे बना रही है, हरियाणा की कंपनी है। फोर लेन ब्रिज, ये हनुमान मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। और आज संडे है, रविवार का दिन है, देख सकते हैं। क्या कीजिएगा पहचान के, क्या कीजिएगा पहचान। सिंगला से हैं आप? तो ये देख रहे हैं, फोर लेन ब्रिज है ये, और एसपी सिंगला बना रही है इसे। पटना जंक्शन एक स्मूथ ट्रैफिक के लिए ये पुल बनाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके। तो ये इधर मीठापुर डीपीओ गोलंबर के तरफ ये रास्ता चला जाएगा, और इधर जो भी आर ब्लॉक से आना चाहते हैं वो सीधा एग्जीबिशन रोड, ये स्टेशन होते हुए एग्जीबिशन रोड निकल जाएंगे, गांधी मैदान निकल जाएंगे। और ये सारा कुछ इधर भी कंप्लीट हो चुका है, जो काम बचा हुआ है इस एरिया में बचा हुआ है, इस एरिया में बचा हुआ है। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन बिहार में चल रहा है उसके बारे में बताते रहते हैं, आपके सुझाव भी हमें मिलते रहते हैं, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बताते हैं जो हमें अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पे लोग देख रहे हैं, जो भी विकास का काम यहाँ पे चल रहा है वो हम आपको बताते रहते हैं। आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए कि हमारा बिहार विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं और देते रहेंगे। नमस्कार। काफी मेहनत का काम देखने है। इसी पिलर पे ये सारा लोड रहेगा, और ये सारा एरिया के नीचे कोई बेस नहीं है क्योंकि मेट्रो बनना है।
देख रहे हैं काम कितनी तेज चल रहा है।